दोस्तों आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मटर और पनीर, और भी बहुत ही कम मसालों में। दोस्तों इतनी लाजवाब ढाबा स्टाइल पनीर और मटर की सब्जी बनने वाली है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बार दोस्तों इस तरीके से अगर आप मटर पनीर बनाते हैं तो दूसरे सारे तरीके आप भूल जाओगे। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप एक बार बनाकर देखिए, उसके बाद अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और कितनी लाजवाब हमारी मटर पनीर बन रखी है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब आपकी मटर पनीर बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें थोड़े से मसाले को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच धनिया, कुछ जीरा, एक लाल मिर्ची, एक इलायची और काली मिर्च यहाँ पर ले रखा था मैंने। उसको थोड़ा सा सोटी कर लिया। अब दोस्तों उसका हम बना लेंगे फाइन पाउडर। और फिर हमने यहाँ पर लिया एक पैन, और पैन के अंदर हमने डाल दिया चार कटे हुए प्याज। इसके साथ ही दोस्तों इसमें डाल देंगे हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर को। और दोस्तों साथ ही इसमें हमें डालना है नमक, और इस नमक डालकर इसको हम ढक कर पकाएंगे। जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया। अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन चलाकर, ताकि नमक भी अच्छे से मिल जाए तड़के के अंदर, यानी कि जिससे हमें ग्रेवी बनाना है। और उसके बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे 4 से 5 मिनट तक इसको हमें पकाना है, तभी ये हमारा टमाटर सॉफ्ट होगा। तो 2 से 3 मिनट हो गए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कुछ हद तक हमारा टमाटर पक गया है, लेकिन सही से पका नहीं है। इसमें फिर से हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से इसको पकाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप बनाते हैं मटर और पनीर तो बहुत लाजवाब बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया पनीर, और पनीर के अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और इसको 10-15 मिनट के लिए हम इसे मिलाकर छोड़ देंगे। इसको ऐसे मिलाना है दोस्तों ताकि मिर्ची और नमक की कोटिंग अच्छे से पनीर के ऊपर हो जाए। इसको हमने रख दिया, और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो दोस्तों इतना ही आपको पकाना है, यानी कि जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक ही हमें इसे पकाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं हमारा टमाटर, मिर्ची, प्याज जो भी था अच्छे से पक गया है। और दोस्तों अब यहाँ पर हमने डाल दिया फिर से सरसों का तेल, क्योंकि उसमें तेल नहीं रह गया था दोस्तों। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना पनीर जो हमने इस तरीके से क्यूज में काट रखा था। आप चाहें तो किसी भी शेप में पनीर को काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर को पैन के अंदर डाल दिया और इसको गोल्डन होने तक भुनेंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से इसको उलझारते हुए हमने इसको फ्राई करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पनीर काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और फ्राई हो गया। तो दोस्तों वहाँ पर हमने फ्राई पैन को हटा लिया, आप दूसरे चूल्हे पर रख दिया। यहाँ पर हमने लिया एक कढ़ाई और इसके अंदर डाल दिया हमने जीरा। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा इसमें हम और कुछ खड़े मसाले को डाल देंगे। तो दोस्तों वो भी दिखाते हैं कि आपको हमने क्या क्या यहाँ पर डाल रखा है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया एक कटा हुआ बड़े साइज में प्याज, और सूखे मसाले में हमने सिर्फ तेज पत्ता एक डाल रखा है दोस्तों, और कुछ भी नहीं डाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डाल दिया मटर। दोस्तों ये फ्रोजन मटर नहीं है, ये फ्रेश मटर है। अगर मटर को दोस्तों इस तरीके से अगर आप तड़के में डाल देते हैं तो मटर इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि अगर आप मुँह में डालेंगे तुरंत घुल जाएगी। और यहाँ पर हमने डाल दिया टमाटर प्याज वाला जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, और ये हमने हमारा मसाला भी तैयार हो गया। हमने इसको पीस लिया दोस्तों बारीक मिक्सी जार में, और यहाँ पर हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, एक आधा छोटे चम्मच यहाँ पर डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और यहाँ पर हमने मटर को ढक देना है, और 2 मिनट के बाद हमें ढककर हटा कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो भी है, धनिया अभी हमने इसमें नहीं डाला है,
और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हमने जो मसाले को पीस कर रखा था, उसमें दोस्तों हमने पानी डाल दिया था ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिल जाए एक साथ। तो दोस्तों जो हमने रोस्ट किया था मसाला उसको अब यहाँ पर हमें डाल देना है और मसालों को अच्छे से पकाना है 4-5 मिनट तक दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मसाले को हमने यहाँ पर डाल दिया जो हमने रोस्ट करके पीस रखा था। और दोस्तों अब इसे हम 4-5 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों सब्जी कोई भी हो, जब तक हमारा मसाला अच्छे से पकेगा नहीं तब तक कोई भी सब्जी हो अच्छी बनेगी नहीं। तो दोस्तों मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि मसाले से तेल सेपरेट नहीं होने लगते हैं, तब तक हमें मसाले को पकाना है। तो 2-3 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे, उसके बाद देख लेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर ये नीचे से मसाला जलने लगेगा और जब मसाला जल जाएगा तो आपको भी पता है कि हमारी सब्जी कैसे बनेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला कढ़ाई की तली को छोड़ रहा है, यानी कि इससे तेल सेपरेट होने लगा है। बस दोस्तों हमारा मसाला लगभग पक ही गया है और अब इसके अंदर डालते हैं अपने पनीर को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से अभी पका नहीं था तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया पानी ताकि हमारी मटर और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तेल के अंदर मटर डालने से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो ही जाती है। अभी 2 मिनट तक और मसाले को पकाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गया हमारे मसाले को पकते हुए और अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए हमारे मसाले से तेल एकदम सेपरेट होने लगा है और यहाँ पर अब हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए पनीर को। तो दोस्तों मैं चाहे जब पनीर बनाती हूँ तो मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ, आपको अगर कच्चा पसंद है तो आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डाल दिया पनीर को और पनीर को तब तक चलाएंगे जब तक कि इसके ऊपर मसालों की अच्छे से कोटिंग नहीं हो जाती है, तब तक हम पनीर को अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको चलाना है कि जब तक मसाले की कोटिंग पनीर के ऊपर नहीं हो जाती है। और यहाँ पर हमने लगा दिया ढक्कन, इसको 1 मिनट तक पकाएंगे ऐसे। तो दोस्तों 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया और इसको अब अच्छे से हम फिर से चला लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे दोस्तों अब पानी। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल रखा है, थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी पक गया, हमने पनीर भी डाल दिया इसके अंदर और अब इसमें लगा देंगे ढक्कन और इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे ढक्कन लगाकर। तो दोस्तों यहाँ पर 4-5 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं हमारी पनीर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है हमारी पनीर। तो दोस्तों बस हमारी पनीर खाने के लिए रेडी हो गई। तो दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ है उसे अभी डालना है इसके अंदर। तो मेन चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने गरम मसाला नहीं डाल रखा था, गरम मसाला इसलिए हम बाद में डालते हैं ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गरम मसाला डालकर 30 सेकंड तक और पका लिया और दोस्तों अब इसमें क्या रह गया, अब इसमें जाएगा हमारा फ्रेश दूध की मलाई। आप मलाई की जगह क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेश मलाई थी दोस्तों दूध की, तो हम यहाँ पर उसे डाल देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया दूध की मलाई। आप डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और ये दोस्तों देख सकते हैं हमारी पनीर कितनी अच्छी बन रखी है और यहाँ पर हमने मलाई को अच्छे से डाल दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मलाई को यहाँ पर डालना है और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पनीर की थिकनेस, इस अगर ठंडी हो जाएगी तो और थिक हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही बनाना है हमें मटर पनीर। दोस्तों इस मटर की खासियत मैंने आपको बताई दी, मुँह में जैसे डालोगे वैसे ही घुल जाएगी और थोड़ा सा मलाई यहाँ पर लास्ट में मैंने और ऐड कर दिया। आप डाल देंगे यहाँ पर धनिया के पत्ते को। बस दोस्तों हमारी पनीर सर्व करने के लिए रेडी हो गई। ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।